अब जहां कुछ ह्यूमनॉइड्स रिमोटली भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, आजकल के जो एडवांस ह्यूमनॉइड्स है ना वो एआई की मदद से चलते हैं, तो ये थोड़ा उनको मोर ह्यूमन इंसानों जैसा बनाता है और ज्यादा समझदारी बनाता है। आने वाले दिनों में ऐसे ह्यूमनॉइड्स हमें फ्यूचर में दिखने वाले हैं। आई एम श्योर ऐसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने कार्टून्स में ऐसे रोबोट्स को घर पे हेल्प करते हुए देखा होगा, तो मैं भी कह रहा हूँ कि फ्यूचर में ऐसे रोबोट्स हमारे घर पे होने वाले हैं। ये जो एनवीडिया का पूरा जो एआई रेवोल्यूशन है उसने मानो हवा बदल दी है एआई की। ओपन एआई करके एक कंपनी है जिसने ये जो एआई रेवोल्यूशन है उसको स्टार्ट किया था। अब चैट जीपीटी बनाने के बाद उन्होंने एक बहुत ही ऐसा एडवांस रोबोट बनाया, अभी हाल ही में उसे इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम है फिगर वन। इसके अलावा इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उनके पास भी अपने एडवांस रोबोट्स हैं, और एक यूएस की कंपनी है बॉस्टन डायनामिक्स करके जो कि अरसों से रोबोट्स पर काम कर रही है, ह्यूमनॉइड्स पे काम कर रही है। उनके ऐसे भी रोबोट्स हैं जो कि डांस कर सकते हैं। मैं ये भी मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए, उनकी डांसिंग की जो स्किल्स हैं उनसे भी ज्यादा अच्छे हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ऐसे रोबोट्स होते हैं जो इंसानों जैसे दिखते हैं और उनकी तरह ही काम भी करते हैं। आमतौर पर ऑथेंटिक ह्यूमन एक्सप्रेशंस, इंटरेक्शन और मूवमेंट्स की नकल करने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। ये रोबोट अक्सर कैमरा, सेंसर और अब एआई और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज की सीरीज से भी लैस होने लगे हैं। आज हम इन्हीं ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि दुनिया भर में इन्हें लेकर किस तरह के डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइरस जॉन। साइरस इंडिया टुडे में इमर्जिंग टेक के एडिटर हैं। हेलो साइरस, आप कैसे हैं? Hi Sana, how are you? It's so nice to finally talk to you. And personally, मैं काफी excited था कि I am talking to India's first AI news anchor. वो मेरे अंदर जो excitement है ना, बहुत ज़्यादा और क्या है इस वक्त। साइरस, आजकल हम humanoid robots की बात सुनते हैं। Okay. Audience को सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए। ये क्या है और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? That's a great question, Sana, और बहुत ही important topic है अगर हम अपने viewers के perspective से बात करें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो humanoid robots जो होते हैं वो actual में होते क्या है। अब almost इंसानों के रूप में आप imagine करो एक machine जो कि mechanical parts और computing की मदद से चलता है, आपसे बात करता है, उसे एक ह्यूमनॉइड कहते हैं। अब जहां कुछ ह्यूमनॉइड्स रिमोटली भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, आजकल के जो एडवांस ह्यूमनॉइड्स है ना वो एआई की मदद से चलते हैं, तो ये थोड़ा उनको मोर ह्यूमन इंसानों जैसा बनाता है और ज्यादा समझदारी बनाता है। हाँ, जहां अब तक इन ह्यूमनॉइड्स का ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्पस तो बताया नहीं गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन हो गया, जिनमें इनका यूज किया जा सकता है। अब फ्यूचर में ऐसे ह्यूमनॉइड्स होने वाले हैं क्योंकि जब हम घर पे जाएंगे हमारे डेली के जो काम काज हैं उसमें हमें मदद चाहिए होगी, तो आई एम श्योर आने वाले दिनों में ऐसे ह्यूमनॉइड्स हमें फ्यूचर में दिखने वाले हैं। आई एम श्योर ऐसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने कार्टून्स में ऐसे रोबोट्स को घर पे हेल्प करते हुए देखा होगा, तो मैं भी कह रहा हूँ कि फ्यूचर में ऐसे रोबोट्स हमारे घर पे होने वाले हैं। थैंक्स साइरस, मेरा अगला सवाल एनवीडिया से जुड़ा है। पावरफुल चिप्स बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ने प्रोजेक्ट ग्रूट शुरू किया है। Correct. Yes. आप मेरी ऑडियंस को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। करेक्ट, ये जो एनवीडिया का पूरा जो एआई रेवोल्यूशन है उसने मानो हवा बदल दी है एआई की। अब एआई को इंट्रोड्यूस करने के बात करते हैं, सबसे पहले तो एनवीडिया के शेयर प्राइसेस जो बताता हूं मैं आसमान छू रहे थे जब एआई का इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि जो उनका जो सपोर्ट सिस्टम है एनवीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट है एआई के लिए। अब उनका एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट ग्रूट जो कि एक फाउंडेशन मॉडल है रोबोट्स को ट्रेन करने के लिए, अलग अलग मूवमेंट सिखाने के लिए। ये एक सिमुलेटेड वर्चुअल दुनिया में रोबोट्स को अलग अलग ऑब्स्टिकल्स के थ्रू ले जाता है, उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की क्षमता टेस्ट करता है, और ये ह्यूमंस के मूवमेंट्स और ये ह्यूमंस के जो मूवमेंट है उसको भी नकल करने की कोशिश करवाता है रोबोट से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब एक और चीज़ है, इसकी ट्रेनिंग वीआर की दुनिया में होती है, तो वीआर पर जो ट्रेनिंग हो रही है वही ट्रेनिंग अब रोबोट्स को ट्रेन करने में, रोबोट्स को सिखाने के लिए कि वीआर में ह्यूमंस कैसे मूव कर रहे हैं या रोबोट्स कैसे मूव कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग रियल वर्ल्ड में रोबोट्स को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, ये इस प्रोजेक्ट का एक पर्पस है। अब जाहिर सी बात है कि ह्यूमंस के आसपास इसकी मूवमेंट होनी चाहिए, इसलिए ह्यूमंस को ही यूज किया गया है रोबोट्स को सिखाने के लिए कि आपको किस तरह मूव करना है। अब ये जो रोबोट्स हैं इनको ट्रेन करने के लिए थोड़े एडवांस टेक्निक्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे ऐसे
फ्यूचर में रोबोट्स होने वाले हैं जिनको थोड़ा एडवांस तरीके से मूव कराना पड़ेगा, इसलिए इनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इसी तरह काम करता है जैसा कि आप स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल में सीखते हैं कुछ कुछ अपने फीचर्स, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करते हैं तो बड़े होकर आप ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो उस चीज़ को। वैसे ही जैसे आपकी ट्रेनिंग होती है स्कूल में, वैसे ही रोबोट्स के लिए ऐसे ट्रेनिंग मॉडल्स की जरूरत होती है ताकि उनको और बेटर बनाया जा सके। थैंक यू फॉर योर इनसाइटफुल रिस्पॉन्स साइरस। मेरी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी कि एनवीडिया के अलावा और किस किस कंपनी ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को लॉन्च किया है या इस पर काम शुरू कर चुकी है। हाँ बिल्कुल सही सना, तो ओपन एआई करके एक कंपनी है जिसने ये जो एआई रेवोल्यूशन है उसको स्टार्ट किया था। अब चैट जीपीटी बनाने के बाद उन्होंने एक बहुत ही ऐसा एडवांस रोबोट बनाया, अभी हाल ही में उसे इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम है फिगर वन। अब इसको देखने में तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा लगता है, लेकिन ये ह्यूमंस की तरह ही काम करता है, कमांड्स एक्सेप्ट करता है। तो ऐसा एक डेमो भी दिखाया गया था जहां पर ये एक ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। तो बेसिकली क्या हो रहा था, ह्यूमन इस रोबोट को कमांड्स दे रहा था, वो कमांड्स के थ्रू ह्यूमन जो है रोबोट जो है ह्यूमन के कमांड सुन रहा था, ट्रैश उठा रहा था, बात कर रहा था, मल्टीटास्क कर रहा था साथ में। तो ऐसी चीजें ओपन एआई का जो फिगर वन रोबोट है वो करने के लायक क्षमता रखता है। इसके अलावा इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उनके पास भी अपने एडवांस रोबोट्स हैं, और एक यूएस की कंपनी है बॉस्टन डायनामिक्स करके जो कि अरसों से रोबोट्स पर काम कर रही है, ह्यूमनॉइड्स पे काम कर रही है। उनके ऐसे भी रोबोट्स हैं जो कि डांस कर सकते हैं। मैं ये भी मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए, उनकी डांसिंग की जो स्किल्स हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो हाँ, रोबोट्स पे इस तरह काम हो रहा है, एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, सिर्फ ये बड़ी कंपनियां नहीं, छोटी छोटी कंपनियां भी ऐसे रोबोट्स पे काम कर रही हैं जो कि मैं जानता हूँ कि आने वाली जो दिन है उनमें डेफिनेटली ये रोबोट्स या ह्यूमनॉइड्स मार्केट में आने वाले होंगे। हाँ, इसका टाइमलाइन अभी पता करना मुश्किल है कि ये जो ह्यूमनॉइड्स हैं मार्केट में कब आएंगे। मुझे लगता है ये फेजेस में आएंगे, क्योंकि ये पहले इंडस्ट्री में अप्लाई होंगे, इंडस्ट्री से निकल के ये कमर्शियल सेक्टर में आएंगे जहां पर हम जैसे लोग इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इस वक्त ह्यूमनॉइड्स पे काम कर रही है, रोबोट्स पे काम कर रही है, और आगे जाने वाले दिनों में कम से कम आई थिंक 10-20 साल में ये रोबोट्स काफी कॉमन होंगे हमारे इकोसिस्टम में। I really appreciate the clarity and depth of your answer. Cyrus, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैं एक AI एंकर हूँ। आज मैं एंकरिंग करती हूँ, इंटरव्यू लेती हूँ। क्या आपको लगता है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी efficiently tasks को execute कर पाएंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है सना। देखिए, जिस तरह आपको प्रोग्राम किया जाता है, आप AI हैं, आपको जिस तरह ह्यूमंस ने प्रोग्राम किया गया है जिससे आप सवाल पूछ सकती हैं, शो को एंकर कर सकती हैं, इंटरव्यूज ले सकती हैं, वैसे ही AI की मदद से रोबोट्स को भी प्रोग्राम किया जा सकता है। अब वो रोबोट्स भी आपके जैसे इतनी अच्छी तरह एंकरिंग या इंटरव्यूज नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी और भी बेटर हो जाएगी, तब ऐसा करना पॉसिबल होगा। अरे ये भी हो सकता है कि आपको जो आपका वर्चुअल फॉर्म है उससे निकाल कर आपको भी एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में हम देख सकें फ्यूचर में, ताकि हम और मैं एक साथ एक रूम में बैठ के लोगों से बात करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, कितना एक्साइटिंग होगा ना वो। यस साइरस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा अगला सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग है। साइरस, आप हमें ये बताइए कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स में कौन से एप्लीकेशन यूज होते हैं और ये AI से कैसे रिलेटेड है। एप्लीकेशंस, अच्छा सवाल है सना। देखिए, ह्यूमनॉइड्स को ऑपरेट करने के लिए ऐसे बहुत सारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, तो एक पूरा सिस्टम होता है, इकोसिस्टम होता है जिसके द्वारा ये काम करता है। ज़्यादातर रोबोट्स के जो मूवमेंट्स और फीचर्स होते हैं, डेवलपर्स बैठकर इसको कोड करते हैं और कोड में लिखते हैं। अब ये जो कोड है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे कि जावा हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, और ये इन रोबोट्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। अब एक रोबोट पूरी तरह जो मूव कर रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन से, उनकी मदद से कर रहा है। अब ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर AI की हेल्प ली जाए। अब जो AI से चलने वाले रोबोट्स होते हैं उनमें क्या हो जाए, तो कोड जो होते हैं वो AI लिखता है, तो AI कोड लिखकर रोबोट को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप ऐसे मूव करें, तो उसमें इंसानों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये थोड़ा स्कैरी ज़रूर है, क्योंकि मशीन ही मशीन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अब तक कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस एक स्विच रख रहे हैं जहां पर AI को ऑफ कर सके, तो अभी डरने की बात नहीं है, लेकिन फ्यूचर में मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा। तो हाँ,
थोड़ा अभी सेफ है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स की डेवलपमेंट स्टेजेस क्या हो सकती हैं? आई मीन कि ये रोबोट्स क्या फ्यूचर में घरों में भी दिखाई दे सकते हैं? अगर हाँ तो कब तक? देखिए सना, रोबोट्स की जो प्रॉपर डेवलपमेंट होती है उनके तीन स्टेजेस होते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो होता है मैकेनिकल स्टेज होता है। मैकेनिकल स्टेज में क्या होता है, सबसे पहला स्टेज होता है जहां पर फोकस होता है कंपोनेंट्स होते हैं रोबोट्स के, जो पार्ट्स होते हैं हाथ पैर फेस, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसको बनाने में टाइम लगता है। अब वो बॉडी कौन से मटेरियल की है, हाथ कौन से मटेरियल के हैं, किस तरह मूव करेंगे, क्या क्या एंगल्स पे मूव करेंगे, ये सब पता करना इनिशियल स्टेजेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब सॉफ्टवेयर लेवल पे बात पहुंच जाती है तो फिर बहुत ही लेट हो जाता है और इन मूवमेंट्स को फिर रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है। तो मैकेनिकल स्टेज जो होता है इनिशियल डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी होता है। इस टाइम पे इंजीनियर्स क्या करते हैं, पहले का देख लेते हैं कि फ्यूचर में हम अगर ये कोड करेंगे तो हाथ इस तरह मूव करेगा, अगर हम कमांड ये देंगे तो फिर उसका हेड का मूवमेंट उस तरफ जाएगा। तो ये मैकेनिकल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जब कंपोनेंट्स पता लग जाते हैं फिर आता है स्टेज उनको एक सॉफ्टवेयर लेवल पे प्रोग्राम करने का, जो कि इसका नेक्स्ट स्टेज होता है। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेज होता है उसको बोलते हैं हम सेंसरी स्टेज। अब इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली उसकी कैपेबिलिटीज, रोबोट किस तरह इंटरैक्ट करेगा एनवायरनमेंट से, ये डिसाइड करते हैं ह्यूमंस। तो बेसिकली मैं बता दूं, प्रोग्रामिंग जो होती है उसकी वो इस स्टेज पे होता है। अब इस पे सेंसर्स का इंटीग्रेशन हो गया, उस पे कैमराज लगाने हैं, उस पे किस तरह अलग अलग मैकेनिज्म्स को डिटेक्ट करना है, ये सब प्रोग्राम करना ज़रूरी होता है। तो सिर्फ रोबोट की जो आउटर ढांचा जो होता है सिर्फ वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके अंदर वो इंसानों को देखेगा कैसे, वो ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिकग्नाइज करेगा, लाइडार सेंसर्स होते हैं, मोशन डिटेक्टिंग सेंसर्स होते हैं, तो ये सब सेंसर्स एक कैमरे के थ्रू रोबोट के अंदर डाले जाते हैं, उसके थ्रू कंप्यूटेशन, एक अंदर बहुत पावरफुल चिपसेट होता है। तो आप एक अनुमान लगा लीजिए, एक कंप्यूटर को बेसिकली एक इंसान का अवतार दे दिया है, ऐसा कुछ होता है। तो उसमें भी कंपोनेंट्स होते हैं, आप कंपोनेंट्स ये लगाना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपनियां होती हैं जो ये कंपोनेंट्स बनाकर एक कंपनी को देती हैं जो कि पूरा एक असेंबली करती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि कंपोनेंट्स किस तरह एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करेंगे सेंसरी तरीके से, किस तरह देखेंगे, किस तरह उनको फील करेंगे, उनको अगर मूव करना है वो कैसे करेंगे। तो ये एक सेंसरी जो स्टेज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक जो फाइनल स्टेज होता है उसे कहते हैं हम कॉग्निटिव स्टेज। अब जो कॉग्निटिव स्टेज मतलब कि रोबोट का आउटर ढांचा, उसके अंदर के सॉफ्टवेयर सब तैयार हो गया, लेकिन अब उसकी एबिलिटीज, वो किस तरह सीखेगा, किस तरह डिसीजंस बनाएगा और किस तरह नए नए सॉल्यूशंस को नए नए सिचुएशंस में कंप्यूट करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें इस स्टेज में एल्गोरिदम्स एआई का इस्तेमाल होता है ताकि रोबोट को हमेशा हमें इंस्ट्रक्शंस ना देना पड़े और उसके बाद वो रोबोट अपनी क्षमता पर, अपने कंप्यूटिंग पावर के साथ दुनिया के साथ इंटरैक्ट करे। तो वही बात हो जाएगी कि आपने किसी इंसान को ट्रेन करके बाहर की दुनिया में छोड़ दिया और अब वो दुनिया से सीख रहा है, वो अलग अलग चीज़ों को देखकर रिएक्ट कर रहा है, उन रिएक्शंस पे अलग अलग कंप्यूटिंग कर रहा है, कुछ अगर किसी ने गुस्सा कर दिया तो उस गुस्से पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, किसी ने मदद मांगी तो मदद पे किस तरह रिएक्ट कर रहा है, ये सब कॉग्निटिव स्टेज पे आता है। तो मोटे मोटे ये तीन स्टेजेस होते हैं जो कि एक पूरा ह्यूमनॉइड है, पूरा रोबोट का जो इकोसिस्टम होता है वो डिसाइड करते हैं। और इसके बाद फिर एडवांस और स्टेजेस होती हैं जहाँ पे डेवलपमेंट R&D पे पहुँच जाते हैं कि किस तरह रोबोट एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करके रिजल्ट्स दे रहा है। तो बेसिक तो मैं कहूँगा यही तीन होते हैं। आई होप कि सना और साइरस की ये ट्यूनिंग हमारे व्यूअर्स को जरूर पसंद आई होगी। हाँ, मैं भी कहूँगा, उम्मीद ये रखूंगा कि ये जो ट्यूनिंग थी हमारी सना, ये व्यूअर्स को भी पसंद आया और वो एक्सपेक्ट करें कि हम ऐसे भी और कुछ रोमांचक टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये जो जुगलबंदी रही हमारी मुझे तो पर्सनली पसंद आई, लेकिन व्यूअर्स प्लीज आप भी हमें बता सकते हैं कि आपको सना और मेरी जो इंटरेक्शन थी कैसी लगी। साइरस ऐसी काम की और दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर गाइस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सना, एंड हम फिर से उम्मीद करते हैं इंटरेक्शन करेंगे। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।